ये जैसे पार्ट था दोस्तों, एक बहुत खुशी हो रही है कि एक स्ट्रिंग साउंड मुझे एक ओरिजिनल साउंड से थोड़ा बहुत एडिट करके ही बहुत अच्छा साउंड मिल गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रिंग साउंड बॉलीवुड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सब कुछ हमें ही लीगाटो स्टेकाटो सब हमें ही बजाना होता है, और एक ही गाने के अंदर तकरीबन सब बजाना होता है, वो वियोलाज चेलोज और सब, अक्सर कई बार तो एक ही कीबोर्ड प्लेयर होता है। सो एक ऐसा साउंड जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम मिला सके हैं, तो मैं आपको क्विकली पहले साउंड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अभी इस तरह के जो साउंड है बहुत बहुत ही कठिन हो जाता है, मतलब कि अभी इस तरह के साउंड, इस तरह के रन्स है, या फिर शान का जो रन है अपना प्यार करने वाले, जो इंट्रो में रन है। सो बहुत सारे साउंड है। लेट मी टेल यू कि मैंने बेसिक ये साउंड कहाँ से लिया है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। तो ये एक साउंड है STRAPPATO। हाँ, ये जो स्ट्रिंग साउंड है, लेट मी गेट इट क्लोजर, इसके ऊपर मैंने काम किया है। बट हाउ कैन वी डू, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं हम लोग? सो लेट मी गो टू यूज़र, एंड ये साउंड है जिसको मैंने अपने इसमें ले लिया है। नाउ हाउ टू डेवलप दिस साउंड, इसके बारे में थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ, कैमरा प्लेस कर लेता हूँ, सो ताकि थोड़ा सा मूवमेंट कम हो और आपको क्लियर दिखाई दे थोड़ा सा। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द लाइट देर विल बी थोड़ा सा ये रहेगा इधर उधर, बट अभी समझो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको अटैक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, अभी अटैक को मैंने 23 किया है, 32। हाँ, तो अभी इसमें बहुत दो तीन फैक्टर्स हैं। इट साउंड लाइक एन एनालॉग स्ट्रिंग्स, तो अटैक यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो आगे काम करेगा। डीके है, रिलीज है, पर ऑलरेडी इसमें ज्यादा रिलीज है, वो मैं दूसरी जगह से किया हूं, वो आपको बता देता हूं। तो अभी इसमें अगर आपको कुछ पार्ट्स ऐसे बजाने जो, तो वहां पे थोड़ा सा अटैक ऐड कर देते हैं। हाँ, तो ये हो गया ना। कट ऑफ करके यहीं पे सब हो गया। लिगाटो मोनो ट्राई कर लेते हैं, ये थोड़ा सा चेलो टाइप में काम हो सकता है, रिलीज कम करना पड़ेगा। इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा साउंड को, क्योंकि इसका कट ऑफ है वो आगे पीछे हो रहा है। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, लेट्स गो बैक टू सम अदर। अभी इसको कैसे बनाया मैंने, बेसिक साउंड में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया है। हाँ, साउंड में जाके यहाँ पे जो ओसिलेटर है, OSC लिखा हुआ है, उसमें गया मैंने, और वो जो कंपनी का साउंड था वो थोड़ा सा अलग था, तो मैंने बजा बजा के चेक किया इसको। फोनिक रह गया। सो लेट मी गो बैक टू रीसेट, लेट मी गो टू अगेन बेसिक। बेसिक में ओसिलेटर पे गया, यहां पे 375 नंबर का साउंड यूज किया है मैंने। अब चेंज करके देखते हैं।
ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये और एक क्वालिटी है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लाने के लिए मैं ना इसका इफेक्ट्स कम कर देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। इक्यू एंड वेट प्लेट प्लेट रिवर्ब यूज किया है मैंने इसके अंदर। बाकी सब सस्टेन वगैरह मैंने कहाँ से यूज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है गो टू AMP यानी मेनू बटन दबाया आपने, डायल के बाजू में है मेनू बटन, राइट। मेनू बटन दबाया, गो टू, ये प्रेस करेंगे मेनू तो AMP आएगा। AMP को दबाएंगे तो लेवल मॉड्यूलेशन LFO एंड EG। अब EG को आगे पीछे करना है आपको, जैसे अभी मैं सस्टेन को आगे करके देखता हूँ। यहाँ पे सस्टेन रिलीज को आगे करता हूं, पीछे किया जाए, ये देख रहे हैं आप। सस्टेन हो रहा है, कम हुआ, ये एकदम डैम्प हो गया, क्योंकि जब साउंड हम चेक करते हैं तो इतना इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि वो हमें पता नहीं चले, बाद में एड ऑन करना चाहिए। अभी अटैक बढ़ा के देखता हूं मैं, अभी 11 पे है। अभी ये जो इसके जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े से बेस प्रोड्यूसिंग रखे हैं उन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फ्लैट स्पीकर्स नहीं है, इसीलिए इसमें हाईस के कंपेयर में लोज ज्यादा आता है। ये आपको कॉर्ग में हमेशा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है आप घर पे साउंड सेट करके जाते हो और वहाँ प्रोग्राम में या स्टूडियो में जाते हो तो बोले पंच नहीं आ रहे, पर एक्चुअली इसके अंदर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा वूफर्स वो बेस के लिए डाला हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे स्पीकर के अंदर। सो उसमें से थोड़ा सा लोज बढ़े ऐसा उन्होंने बंदोबस्त किया है ताकि वो ब्यूटीफाई करने के लिए, पर वो होम पर्पस के लिए। अगर आप स्टूडियो में जाते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, या फिर आपको एक फ़ोन लेके फ्रीक्वेंसी मीटर पे चेक करना है कि साउंड में कोई भी साउंड बज रहा है, उसमें कौन सा साउंड अप हो रहा है कौन सा डाउन हो रहा है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो अब मुझे ये साउंड ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लियर लग रहा है, सो थोड़ा मैं इसको ब्यूटीफाई करता हूँ। क्योंकि रिवर्ब में भी कितना शार्पनेस रखना है कितना, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने ग्राफिक इक्वलाइजर यूज़ किया है आपके उसके लिए बंदोबस्त के लिए। नॉर्मली मैं कंप्रेसर या इक्वलाइजर ऐसे साथ में यूज़ करता हूँ, पर ग्राफिक इक्वलाइजर इज सिंपल टू ऑपरेट। आपको जैसे साउंड चाहिए आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लोज कट किया है बिकॉज ऑफ द स्पीकर्स, मैं घर पे ज़्यादा सुनता हूँ इसके। अप्रॉक्सीमेटली 87 हर्ट्स इसमें बहुत प्रोमिनेंट आ रहा था, पर इसमें सेपरेट 87 नहीं है तो मैंने 80 को थोड़ा मैन्यूपुलेट किया है। ये देखिए यू कैन प्ले दैट एंड चेक चेक इट आउट बजाते बजाते कि किसी को एकदम शार्प स्ट्रिंग चाहिए। अभी मैंने इसको कम रखा हुआ है, इसका वेट और ड्राई बोलते हैं ना जिसको हम, ये एकदम फिल्मी स्ट्रिंग हो गया है विच आई वुड नेवर लाइक टू डू। ज्यादातर साउंड फ्लैट होना चाहिए, ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, गो बैक टू, मैं वापस जा रहा हूँ, बेसिक पे जाते हैं। बेसिक पे मैंने जैसे कहा कि मैं कुछ साउंड सिलेक्ट करता हूँ,
तो अब इसमें 374 है, 373 है। ये भी अच्छा साउंड करे। साउंड्स गुड, राइट? सो इसमें से आप सेलेक्ट करो 373, 374, 375, 371, ये थोड़ा सा बजा के आपको चेक करना है, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। बेसिक साउंड हो गया, ऑलमोस्ट इसके नज़दीक में साउंड्स बहुत अच्छे नहीं मिले मुझे। फ्रॉम 371, 372, 373, 374, 375, इसके बाद ट्रेमोलो आ जाता है, तो वो तो बैकग्राउंड में काम लगता है। सो यू सिलेक्ट वन साउंड, लेट लेट अस स्टे स्टिक टू दिस वन। गो टू, अभी बेसिक का मैंने आपको बता दिया। बेसिक में और क्या क्या देखना है, ईक्यू मैंने आपको बता दिया। ईक्यू इसका इंटरनल ईक्यू भी है, बट नॉर्मली मैं इफेक्ट्स का ईक्यू यूज़ करता हूँ, दोनों करता हूँ, कभी मैन्यूपुलेट करता हूँ। सब ट्रायल एंड एरर से ही करते हैं हम लोग सुन के, क्योंकि म्यूजिशियन का कान अच्छा होता है। और कई बार मेन सिस्टम आपके पास अगर अच्छा है तो, और हेडफोन अच्छा है, देन यू कैन डू दैट। इसके बाद हम देखते हैं तो पिचिंग में कुछ खास देखना नहीं है, पोर्टामेंटो वगैरह है, बट दैट वी आर नॉट यूजिंग इन दिस। और तो इसमें हमें आगे कुछ करना नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा बीच बीच में रोकना पड़ रहा है। पिच, हाँ, इसके ईजी में लेट अस ट्राइट आउट क्या है इसके अंदर। अटैक, दिस इज ऑल अबाउट दैट, जो मैंने कहा कि पिच का इजी है। सो लेट्स नॉट गेट इन टू इट, उसका कोई ये नहीं है। कोई भी फंक्शन नहीं पता है अगर हमको, या बाय मिस्टेक चले गए उस फंक्शन में, अगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो मे बी। और सबसे पहले ट्रायल एंड एरर कर लेना चाहिए, बाद में प्रिसाइजली देखो ये इसमें, ये इस पे बहुत काम किया है मैंने। तो आपको लगता है ये है, लेट मी गो बैक टू द फिल्टर। फिल्टर जैसे मेनू बटन दबाया, फिल्टर वापस करता हूँ, मेनू एंड फिल्टर। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो नए फर्स्ट टाइम वालों के लिए थोड़ा सा। अभी मैं स्टार्ट पॉइंट इसको कम करता हूँ, देखो यहाँ पे ग्राफ नीचे आएगा, करके ही देखना है क्या है। 74 पे था, अटैक। आप समझ सकते हो कि ये जो कट ऑफ का जो वॉवल्स होता है, मुआक मुआक, उसका इसके अंदर यू कैन सेट इट। अब इसको इसको देखते हैं, सॉरी, ब्रेक पॉइंट। समझ गए? देखो अभी इसमें फ्लूटिश जैसा कट ऑफ कम, एकदम कम हो गया, वो और उसके बाद बढ़ते जाएगा, पुआ ऐसे हो गया। बट क्योंकि स्ट्रिंग्स है हमारे प्ले साउंड में, तो वो सा 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 ये साउंड आएगा। इसको एक कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा टच सेंसिटिविटी के लिए इसको मैनिपुलेट करता हूँ, ताकि मैं साउंड को एक्सप्रेस विदाउट पैडल ही कर लूं। अक्सर लोग सेंसिटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं यूज करता हूं वेलोसिटी को। ये सस्टेन है,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रिंग्स के अंदर, तो इसको अप ही रखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि नहीं तो च्याउ ऐसा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग साउंड के अंदर। सो अब इसको रिलीज कैसे, कितना कितना जल्दी इसको च्याउ करना है, वो है। ओके, नाउ लेट मी सी रिलीज अगेन। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्लोप पे काम करना पड़ेगा, यानी इसको सब कम कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा एकदम, जो इसका इफेक्ट है कट ऑफ इफेक्ट, बट इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। इससे सेंसिटिविटी पे बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे फर्क पड़ेगा। मैं एक नोट को ही सॉफ्ट एंड लाउड बजाता हूँ, आप देख सकते हो, एक ऑक्टेव नीचे। ये स्टेज के ऊपर बहुत ही लाउड होके एम्पलीफाई होके आता है, तो इस पे आपको जाना नहीं इतना। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे नहीं करता हूँ, बिकॉज स्ट्रेस बन जाता है थोड़ा सा म्यूजिशियन को। सो लेट्स कम बैक टू द, सॉरी, द पैरामीटर्स। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत मायने है, बहुत मायने है। मैं वापस रिसेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या महत्व है इसका। ये कर्व था, और ये कहाँ पे है, हम लोग फिल्टर में, गो टू द फिल्टर। इसको मैंने काफी हार्ड रखा हुआ है, तो वो ज्यादा करने से वो थोड़ा सा बम्बल बी को बुखार आ जाता है, वो प्रॉब्लम है। मतलब तो क्रोमेटिक नोट्स अगर आप बजाते हो तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। सो यस, बेसिकली आपको समझ में आ गया कि आपको ये स्ट्रिंग्स का बेसिक साउंड चूज करना है। मैं और क्लोज करके आपको बता देता हूँ। ओके, और इसके ऊपर फिर आपको एडिट में जाना है, बेसिक में जाना है, गो टू ईजी ओसीलेटर पे जाना है, 371 से कोई आगे कोई भी स्ट्रिंग्स बनाना है आप इसके ऊपर, फिर खेलो आप। अटैक डी के, ये बेसिक है अटैक डी के, रिलीज एंड कट ऑफ, कट ऑफ की तो ज़रूरत नहीं है। और इसको आप ऑफकोर्स मोनो करके लिगाटो में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे खयाम साहब के गानों में हजार राहें, तो समझो एक साउंड ये बनाया और लेयर में एक एक मोनोफोनिक नहीं पॉलीफोनिक साउंड यूज किया स्ट्रिंग्स का ही, तो क्योंकि ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, इसको एड ऑन करेंगे दूसरा साउंड दूसरे लेयर पे या तीसरे लेयर पे, देन इट बिकम्स वेरी हेल्दी साउंड। मदन जी के कुछ गाने हैं उस जिसके अंदर चेलोज यूज किए हैं, मतलब हम तुमसे जुदा हो के, तो इस तरह के साउंड में आप यूज कर सकते हो। साथ में लेयर में दूसरा साउंड यूज करना है। आई थिंक काफी ये इसमें आपको मैंने, अच्छा एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन में भी, ए एम्प में भी एक आपको ये चार्ट दिया गया है, पर वो आपको चेक करना है। नॉर्मली सस्टेन रिलीज कट करेंगे तो पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं।
ओके, सो आई थिंक मोनोफोनी रह गया है. सो दैट्स इट. और कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना, आई कैन गाइड यू ऑन दैट. एलएफओ है, पर इसमें एलएफओ की ज़रूरत नहीं है, जो विब्राटो वगैरह है ये साउंड के अंदर एलएफओ का इतना मायने नहीं रहता है. ओके, बाय बाय, थैंक यू.